तो फ्रेंड्स आप किसी भी फोटो का आँख का जो कलर है उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल 1 मिनट के अंदर यार उसको चेंज कर सकते हो। ब्लैक से ब्लू, रेड एंड ग्रीन कुछ भी आप कर सकते हो। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे मेरे सामने एक फोटो है जिनका आँख जो है ना बिल्कुल ब्लैक एंड ब्लैक दिख रहा है, फुल ब्लैक दिख रहा है, लेकिन अगर हम चाहें तो इनकी आँख का जो कलर है ना वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, ब्लैक से ब्लू, ग्रीन और रेड कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं हॉलीवुड मूवीज वगैरह में जो एक्ट्रेस का जो कलर होता है ना आपका बिल्कुल अट्रैक्टिव और ब्लू 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 एंड ब्लैक सॉरी रेड ग्रीन सब दिखता है यार, तो हम लोग इनका कलर का भी आपका जो कलर है चेंज कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे पूरा आपको प्रोसेस दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक फ्रेंड्स। और अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और दिखाते हैं आपको पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि आपको फोटोशॉप में उस फोटो को लाना है जिस भी फोटो के आग का जो कलर है वो आपको चेंज करना, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपको करना है कि यहाँ पे बैकग्राउंड देख रहे हैं यहाँ पे जाना है और आपको इसको इस लेयर को डुप्लीकेट लेयर में बना लेना, ठीक है, डुप्लीकेट लेयर बना देना है, ठीक है। बनाने के बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए, डुप्लीकेट लेयर बन गया। एंड उसके बाद सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्लोज करेंगे, क्लोज लाएंगे लड़की को नहीं मतलब कि फ़ोटो को, और इसको बड़ा कर लेंगे ताकि हमको इस जो आँख है ना दोनों को सिलेक्ट करना होगा अपने, क्योंकि अगर एडिटिंग करना है तो उस एरिया को सिलेक्ट करना होगा जिस एरिया को हमको एडिट करना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे देखिए अभी मेन टूल पे था, हम लोग को जाने हैं मैजिक टूल, ये टूल है जो मैजिक टूल है यहाँ, इससे सेलेक्ट होता है कोई भी एरिया, ठीक है। तो हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आँख को, ठीक है। ये देखिए सेलेक्ट मैं कर रहा हूँ, देखिए हाँ पूरी तरह से सेलेक्ट नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है शिफ्ट जो बटन है उसको प्रेस किए रहना है और उसके बाद सिलेक्शन टूल को यहाँ पे करना है और सिलेक्ट करना है आपको पूरे एरिया को। देखिए लगभग पूरा सिलेक्ट हो गया है, ठीक है, थोड़ा बीच में रह गया था, इसको भी कर लेते हैं, चलिए हो गया। एंड उसके बाद सेकेंड वाले आग को भी सिलेक्ट करना है, तो उससे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आप डायरेक्टली इस पर प्रेस करते हैं आप सिलेक्ट करते हैं तो ये वाला जो सेक्शन है जो फर्स्ट वाला आग है वो डिसलेक्ट हो जाएगा, तो आपको शिफ्ट बटन को दबाए रखना है, दबाए रखना है एंड उसके बाद इसको सिलेक्ट करना, ठीक है। इसको बढ़िया से सेलेक्ट कर लीजिए, देखिए पूरी तरह से लगभग हाँ सेलेक्ट हो गया दोनों आँख, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है ये है फ्रेंड्स कि आपको जाना है कहाँ, ऊपर में फाइल एडिट एंड इमेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, इमेज पे जाना है, सेकेंड वाले ऑप्शन एडजस्टमेंट पे जाना है एंड वहाँ पर नीचे आना है और ब्राइटनेस के नीचे देखिए सैचुरेशन, ह्यू एंड सैचुरेशन का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो आपको ओके कैंसिल लोड सेव के नीचे कलर आइज का ऑप्शन दिख रहा होगा वो अनटिक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसको कर लेना है टिक, टिक करने के बाद आप यहाँ पे बिल्कुल एडिट करना और ऑटोमेटिक देखिए एक कलर यहाँ पे कलर चेंज हो गया आपका, यहाँ से आप दूसरा इसको कलर में ला सकते हैं। इसको जैसे हम देखिए ऊपर वाले ऑप्शन को जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा ना सॉरी साइड में लाऊँगा, जैसे जैसे इसको प्रेस करूँगा तो ये आ जाएगा, कहाँ गया यार। एंड इसको मैं यहाँ लाता हूँ, ठीक है, और इस सैचुरेशन को मैं थोड़ा सा और ज़्यादा करता हूँ, इतना करता हूँ। और आपको क्या लगता है मैं ब्लू करूँ, ग्रीन करूँ या ब्लू करता हूँ, ठीक है, ब्लू 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 बहुत बढ़िया लगेगा, ओके। एंड देखिए ये सिचुएशन में थोड़ा सा और इसको ज़्यादा करूँगा तो बहुत ज़्यादा खराब लगेगा, तो ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा ही करना, इतना करना एंड इसको कर दें फ्रेंड्स ओके। एंड अभी आपको दिख रहा होगा कुछ सिलेक्शन होगा, तो इसको सबसे पहले डिसलेक्ट कर लेना, उससे पहले इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ छोटा करने के बाद आपको यहाँ पर कंट्रोल डी से डिसलेक्ट हो गया और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो आँख है ना थोड़ा सा ज़्यादा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आना है और उसके बाद आपको यहाँ पर ज़्यादा सेलेक्ट अगर हो जाए ऐसा कुछ अगर दिखे आपको तो यहाँ पे प्रेस करना है ब्लर पे, ब्लर वाले ऑप्शन पे, और इसको छोटा कर लेना है अपने, और छोटा करने के बाद इसको यहाँ पे थोड़ा ब्लर कर देना, ठीक है, ताकि ये पता ना चले कि ज़्यादा सेलेक्ट हो रखा है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ भी थोड़ा ब्लर कर दीजिए, इस वाले जगह को भी ब्लर कर दीजिए, ठीक है। अब ये ब्लर हो गया तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ज़्यादा सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। चारों तरफ एक बार घुमा दीजिए, ये रहा। अब इसको छोटा करते हैं फ्रेंड्स हम लोग, ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने छोड़ा के बाद कोई नहीं कह सकता है कि यार मैंने कुछ चेंजेस वगैरह किया है। आपको देखने में बिल्कुल लग रहा हो कि इस जो लड़की का जो आँख है ब्लू ब्लू ड्रेस से बिल्कुल मैच कर रहा है आँख भी इनका, तो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है और बढ़िया लग रहा है दोस्तों। तो इस तरह से आप किसी भी पिक्चर के जो आई कलर है ना उसको आप चेंज कर सकते हैं, बस 2 मिनट का खेल भाई आराम से चेंज कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड एंड जय हिंद।